So this is life at -30°C. Abhi ka temperature is -25. Raat ko it falls down to -30. Aur abhi I'll just show you what kind of life people in northern country stays. Aaj ka vlog is dedicated to the life at -30°C. Yeah, -30°C. So let's hit the road, man. ये और कुछ नहीं है, ये शाम को मैंने बाल्टी में पानी रखा था तो बाल्टी का पानी जम गया, तो उसको उलट के यहाँ से मैंने अपने आइस क्यूब्स निकाले हैं। आज रात को हम इन आइस क्यूब्स के साथ दारू पीने वाले हैं। तो ये सामने लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेफ्ट साइड में एक खूबसूरत सी नदी जिसका नाम है सुरू नदी, और ये एक छोटा सा गांव, और ये है हम। थोड़ा सा चलने से सांस चढ़ रही है, क्या ये ऑक्सीजन की कमी के कारण है? देयर इज नो वेजिटेशन एज ऑफ नाउ, और जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन है वो भी सूख चुकी है, इसलिए इस एटमोसफेयर में ऑक्सीजन कंटेंट इज डिक्रीज टू ड्रास्टिक लेवल्स। अभी हम जाएंगे उस पहाड़ के नीचे, उस पहाड़ के नीचे खैर नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है, आसपास ही जाएंगे, थोड़ा ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि हाउ इज लाइफ एट -30°C। ये जहाँ पे इस वक्त हूँ मैं, इसको सुरू वैली बोलते हैं। सुरू वैली के आगे जाके ज़ांस्कार वैली आता है, और उसके आगे जाके फिर यू मीट मनाली। एक रोड एक्सेस है जो कि यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, इट गोज राइट अप टू पदुम देन दारचा एंड फर्दर टू मनाली। तो ये यहाँ के पेड़ जो कि इस वेदर में एकदम सूख गए हैं, और इस कारण यहाँ पे ऑक्सीजन इज एकदम निलबटा सन्नाटा। यहाँ के लोगों में बात कुछ ऐसी है कि देव अ स्पिरिट टू लिव, स्पिरिट ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं। जस्ट सो यू, इस वेदर में भी -30°C में, -25 में, एट नाइट्स एट टाइम्स इट फॉल्स टिल -35°C एट पॉइंट ऑफ टाइम्स। आज थोड़ा डिसेंट लग रहा है बिकॉज धूप निकल रखी है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। इन दीज टेम्परेचर एज सच यहाँ के पीपल आर अडेप्टेड टू दीज टेम्परेचर इन दीज एनवायरमेंट, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू देम, दे मैनेज अ लाइफ स्टाइल हेयर। आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग टाइम पास कैसे करते हैं। क्या भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या टूर्नामेंट का? हैं क्या टूर्नामेंट आने वाला? कोई सर्दी में टूर्नामेंट होता है? सर्दी में टूर्नामेंट होता है? कब है? फरवरी में। कहाँ पे होगा? कारगिल। कारगिल के बाद। कारगिल में होगा? अच्छा, तो आपकी टीम है यहाँ पे, इस गांव की टीम है? गुड, शाबाश। कितना डिस्टेंस है ये? ये सर 100 फुट पे। 100 फुट पे। वाह, तो ये है टारगेट एंड, और यहाँ पे लगते हैं तीर। जैसे देखो ये गया ना एक पॉइंट के लिए, हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट की गिना गिना जाता है। अच्छा, तो इधर लगा 9 पॉइंट। अच्छा, अगर इसमें और एक तार है, ये देखो इधर, हाँ, इसमें लगा 9 पॉइंट। चलो जाओ।
पीछे सुनाते हैं। Dark touch don't wa. Dark. It on the end. You see any method to back here? Okay, get good words. Good word, yeah. Omar, çıkçe bir de o. Çıkçe bir de. Zero, zero. तो ये हमारे पहाड़ी लोग आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए और इनकी टीम 20 लोगों की 10 लोगों की आई थिंक। तो अभी सब यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जा रखे थे, तो 3 लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एंड बढ़िया निशाना था भाई। मे द विन, इनफैक्ट मे द बेस्ट वन विंस। सकीन करता हुआ कैसे करते हैं, मुझे भी सिखाना है कैसे करते हैं इसको हैं। अरे तो शर्माइए यार, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? और ये एक बाप रे बाप, इसे बोलते हैं पहाड़। आज तक जो देखा था वो तो बस छलावा था। ये है पहाड़, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया, आप कैसे है? ठीक है। ये घर आपका है? हाँ सर, ये घर हमारा है। आजकल क्या है यहाँ पे, सर्दी कितना होता है रात को? सर्दी तो बहुत है, देखो हमारा बाथरूम जम गया सर। बाथरूम जम गया? हाँ जम गया। तो क्या करता है फिर? अभी इधर खोदता है, देखेगा ये किस सकता है। ये बाथरूम के लिए खोद रहे हैं? हाँ, ये बाथरूम के लिए। अच्छा, बाथरूम का। अच्छा, ये पाइप, ये पाइप अंदर से जम गया हुआ है? हाँ, ये पाइप जम गया है ऊपर बाथरूम। बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो ये इनको प्रॉब्लम नहीं होता ठंड में गाय को? तो गाय को तो प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, 3-4 गाय एक कमरे में। हाँ, लगता है थोड़ा गर्म रहता है। अच्छा, बाकी तो ऊपर वाला जाने जो खुद जिम्मा रहे। क्या नाम है आपका? जरा ले नजमा, जरा ले नजमा, लेकिन नजमा जरा ये छोटू का नाम देखो। क्या नाम है छोटू का? ये शहर बानू, इसका नाम शहर बानू सर। अच्छा, और वो वाला? वो वाला लीला बानू, जुड़वा है ये दोनों। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा मिलके। चलो थैंक यू। ओके सर। सर्दी में रहने का एक और मुश्किल पार्ट है कि सुबह टॉयलेट भी जम जाते हैं और पानी यहाँ पे ऐसे जम रखा है, तो टॉयलेट जमना तो एक मामूली सी बात है। सुबह आपको 5 बजे नेचर्स कॉल आएगा और पता चला कि टॉयलेट ही जमा हुआ है, तो क्या करोगे? ये है एक मस्त सा ब्रिज और इसके नीचे बह रही है नदी जिसका नाम है सुरु रिवर। काफ़ी ऊंचाई तक बहुत सारे खूबसूरत पहाड़। इट्स अ डिफरेंट साइट ऑल टुगेदर। कांट बी मच ब्यूटीफुल, कांट बी मच प्रिटी नेचर, बट इट इज़ सिर्फ एक बार देखने के लिए अच्छा है। यहाँ पे रहने में सही में बत्ती लगती होगी। गुड मॉर्निंग। स्कूल जा रहे हैं क्या? स्कूल जा रहे हैं कि स्कूल से आ रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं कि स्कूल से आ रहे हैं? इतनी लेट? अभी तो संडे है। संडे कौन सा स्कूल? संडे को भी स्कूल होता है? हैं? फ्राइडे को छुट्टी है ना? और संडे को? तो कौन सा स्कूल में है? वो है ना फरोना में,
है ना। हाँ 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 अच्छा गुड। क्या पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में है? थर्ड क्लास। दोनों थर्ड क्लास में है। हाँ तो दोनों तो बराबर लग रहा है मेरे को। आगे कहाँ जाता है रास्ता? घर ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता सीधा छुईना जाता है। अच्छा चलो स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है, और मिलते हैं फिर ठीक है। लाइफ सही में बच्चों के लिए भी टफ है यार, संडे को कौन स्कूल जाता है भाई। सो ऑल दीज फ्रोजन रोड्स एंड फ्रोजन माउंटेन्स, और अगर आप नदी में देखें तो नदी में भी चारों तरफ आई थिंक सॉरी दोनों साइड्स काफ़ी आइसिंग हो रखी है, और जितनी ब्रॉड है ये नदी उतनी रही नहीं है, बिकॉज देख रहे हैं आप कि दोनों तरफ काफ़ी आइस जमा हुआ है। जो बोल्डर्स हैं रिवर के ऊपर, यू कैन सी सम स्नो ऑन देम ऑल्सो। एक छोटी स्ट्रीम और पानी सारा है जमा हुआ। डोंट एवर क्रेव इन लाइफ, वट एवर यू गेट इन लाइफ जस्ट बी सेटिस्फाइड विद दैट ओनली, बिकॉज इंसान की चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है, और चाहत बढ़ती है तो एम्बिशंस बढ़ते हैं, एम्बिशंस बढ़ती हैं तो जीवन में अनहैप्पीनेस आती है। सी द पीपल हाउ दे लिव हियर, काम कंपोज एंड हैप्पी। सुबह से चलाऊँ एक भी ऐसा चेहरा नहीं देखा जो मायूस हो, सभी खुश, and that is what I want to be, a happy man. It's all barren land with a river in between, a barren valley with a beautiful river flowing through. I think I was wrong, yahan pe glacier nahi hai, glacier kafi aage hai yahan se, but at least ye pahad to hai jisme itni moti hai barf ki hai, aur beech mein se jahan se टूट रखी है वहाँ पे ज़रूर कभी ना कभी अवलांच आए होंगे, तभी वो बर्फ़ वहाँ से टूटी है। हो सही में यार इतना चलना भी ऐसा लग रहा है कि 500 किलोमीटर भाग के आया हूँ, बिकॉज दिस ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। हो साढ़े 12 बजे की अजान दे दिया जा रहा है, और आगे अब हम बढ़ते हैं। इतना ऊंचा पहाड़ और नीचे छोटा सा घर, मतलब दिस टेल्स व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज इन फ्रंट ऑफ द नेचर। मस्त गजब नज़ारा, थोड़ा सा फोटोशूट किया जाएगा यहाँ पे। The exact temperature as of now is -23°C। अगर आप देख सकते हैं तो कोई नहीं है इसमें। यहां से नजारा दूसरे पहाड़ों का आपको दिखाता हूँ। Altitude check 10200 feet. This is the road which connects Leh to Darcha via Kargil. Abhi road is not in a very good state. यहाँ से तकरीबन 40-30 किलोमीटर के आसपास एक जगह है जिसका नाम है पानीकर। पानीकर तक the road is any of the best roads you would have seen, but Panigar ke baad there is no road, kacha rasta hai. This is all not snow, agar aap dekhein this is ice on the road. ब्लैक आइस बोलते हैं इसको, क्या आइस
हार्ड आइस। ये गांव का नाम क्या है? थी नहीं, ये थी नहीं, आगे क्या है? अच्छा अच्छा, यही थी नहीं है। अच्छा ओके, इसका पानी नहीं जमता। सो दिस इज द लाइफ ऑफ विलेज। बच्चे खेल रहे हैं और गाय घास खा रही है और हम स्लिप हो रहे हैं रोड में, ऑन द आइस्ड रोड, द फ्रोजन रोड। दिस इज द फ्रोजन लाइफ। ये थुइना है क्या? थुइना है, ये थुइना गांव का नाम। कहाँ तक जाता है रास्ता? रास्ता कहाँ तक जाएगा? उसके बाद रास्ता खत्म है? रास्ता रोड जाएगा थुइना के आगे? हाँ। जाएगा। चलो फिर घूम लेते हैं। वहाँ तक जाएगा। कहाँ तक? थुइना तक। तो ये क्या है फिर? ये थुइना नहीं है? इसका नाम क्या गाँव का? थंग। ओके चलो थंग घूमते हैं फिर। डन। ये गाड़ियों को ठंड से बचाने का एक तरीका, प्लास्टिक शीट ओवर वैन। एक चीज़ के बिना यहाँ बहुत मुश्किल है, वो है दीज ग्लेयर्स। अगर आप यहाँ के लोग नहीं पहन के रख रहे हैं बिकॉज दे आर अडेप्टेड, वी फ्रॉम आउटसाइड आर नॉट अडेप्टेड, तो अगर हम खोल देते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ ग्लेयर विच कम्स फ्रॉम दिस आईज, विच इवन कैन कॉज स्नो ब्लाइंडनेस। कुछ टेम्परली, कुछ टाइम के लिए आपको दिखना बंद हो जाएगा। और यहाँ की एक ही छोटी सी मस्जिद। ओके ये थुइना है ना? इस एनवायरनमेंट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज इज कि इतना हैवी लोड भी आप जस्ट स्लाइड करके ले जाओ इस रोड्स में। तो ये है एक गाड़ी जो कि इन जमी हुई सड़कों में चल रही है। थिंक यहीं से होना चाहिए। इतनी ज़्यादा बर्फ, बहुत काफ़ी ज़्यादा बर्फ। यहाँ से तो कोई रास्ता है नहीं भाई। लेट अस मेक अ वे, देयर इज नो वे। This is the untouched ice. Sorry, snow. Ice बनने बहुत time है इसमें। तो हम पहुँच चुके हैं by the side of the river और बहुत गहरी बर्फ। बच गए भाई। दिस इज ऑल आइस जो बीच में हम चल रहे हैं। नार्निया देखी हो किसी ने मूवी? तो नार्निया में एक ऐसी सीन है बर्फ का, चारों तरफ बर्फ, छोटा सा स्कैन ऑफ द एरिया और मेरी सांस एकदम फेफड़ों से बाहर फट फट के आ रही है क्योंकि मेरी बैंड हो चुकी है अब। ओह सुरु नदी को टच करके देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है भाई। वे देयर इज नो वे, मेक योर ओन वे। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो आई एम गेटिंग टू गो नाउ और अपना रास्ता खुद बनाया जाएगा। ऐसे ऐसे कहाँ जाएं, क्या कुछ जाएं,
रास्ता किसने बना रखा है, चलो इसी को फॉलो कर लेते हैं यार। पर क्यों करें, वील मेक आर ओन वे, बिकॉज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। और मज़ेदार फील आ रहा है इतनी ज़्यादा बर्फ में चलने का, अलग एक फीलिंग है। एक छोटा सा ब्रिज, सस्पेंडेड सस्पेंशन ब्रिज, एंड दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन। तो हम आ चुके हैं सुरु के किनारे, आई थिंक यही है, इसके आगे क्या जा सकते हैं, लेट अस ट्राई, पानी के अंदर ना गिर जाए कहीं। दिस इज द फ्रोजन पार्ट ऑफ द रिवर, और वहाँ पे रिवर है, बट आई डाउट कि आगे जाना चाहिए मेरे को, बिकॉज आगे जाना खतरा हो सकता है भाई। एक छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज और लाइफ का एक अलग ही फील। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द रिवर? द नेचर ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ट्राई मारते हैं, रास्ता बना बना के आगे चल रहे हैं, और कुछ अगर अंदर गए तो ग्रुप होकर पाकिस्तान में निकलेंगे ऐसा फील हो रहा है हमको। बट फिर भी जस्ट फॉर यू पीपल आई विल टेक रिस्क ऑफ गोइंग देयर एंड टचिंग द वाटर। यहाँ से क्रैक आ रखा है एक, तो इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, और आगे हमको जाना चाहिए भी नहीं है, फालतू को पंगा है, इट्स अननेसेसरी पंगा विच आई एम टेकिंग। बस इसे आगे जाऊँगा भाई। बस इतना बड़ा डिफरेंस रह गया, बट इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा बिकॉज ठंड बहुत है, और जूता भीगा तो भाई गॉड, भाई गॉड की कसम कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इस जितना भी फ्रोजन पार्ट है उसमें पैदल चलते हैं वापस। डर डर के, तो यहाँ पे बेसिकली रिवर स्टार्ट्स, इतनी चौड़ी नदी है जिसमें हमने इतना पार्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स ऑल फ्रोजन, दिस पैच इज फ्रोजन मैन। और ये किसी का घर है क्या? लेट्स मूव ऑन इन दिस शेकी ब्रिज, जो कि चलते हुए ऐसे हिल रहा है कि वो टूट जाएगा और आप आ जाएंगे डायरेक्ट पानी के अंदर। तो ये देखो, दिस ऑल फ्रोजन पार्ट ऑफ द रिवर, जहाँ से आपको थोड़ा शेड डिफरेंट दिख रहा है स्नो का, दैट इज ऑल नॉट स्नो, दैट इज आइस, एंड दैट इज ऑल द फ्रोजन पार्ट ऑफ द रिवर। फाइन, एंड नाउ आगे जाएंगे हम और इस नदी को देखेंगे ऊपर से। सो ब्रिज की भी हालत बुरी है, देख सकते हैं आप कैसे शेक कर रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इट्स शेकिंग बैड मैन, और सही में वॉट लग रही, वॉट। सो दिस इज, एंड दीज आर द लेडीज वहाँ पे सामने जो आपको दिख रही हैं उस ठंडे पानी में कपड़े धोते हुए, आई कैंट बिलीव इट मैन। या यार, हमसे वहाँ हाथ नहीं रखे थे पानी में और आप लोग कपड़े धो रहे हो। सामने पहाड़ और एक छोटा सा खूबसूरत सा हैंगिंग ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जो कि ऐसे हिल रहा है कि सही में वॉट लगने वाली है, ऐसा लग रहा है। काफ़ी पुराना ब्रिज लग रहा है मुझको ये, क्योंकि लकड़ी की हालत आप देख रहे हो। ओह माय, एंड दिस इज ऑल वैली इन फ्रंट ऑफ यू, द सुरू वैली। और एक छोटा सा स्कैन जस्ट आप सबके लिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कितना टाइम अभी ये देखना ही देखना है।
until the roads are open. So this is Suru Valley and now let's move ahead. और आपको मैं दिखाता हूँ नेशनल हाईवे 301. तो ये है इसका टेक्निकलिटी ऑफ द ब्रिज की इसको बांध रखा है खतरनाक एक स्लैब बना के यहाँ से इसकी रस्सियाँ मजबूती से बांध रखी हैं. दीज आर आयरन रोप्स और ऐसे करके जा रहा है ये पेड़ के बीच से होते हुए वहाँ से कनेक्ट हो रहा है ब्रिज से. बहुत स्लिपरी भाई. तो ये था काचिन पिकनिक स्पॉट और इसे बोलते हैं फ्रोजन रोड्स. दिस इज हाईवे NH 301 जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं मस्त धड़ाधड़ ऑन दिस फ्रोजन रोड. सो पेइंग गेस्ट हाउस काचिन फरूना. मोबाइल नंबर अगर नोट करना है तो फोन नोट कर सकते हो. किसी को आना है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो इसको लासर पेइंग गेस्ट हाउस को. सो दिस इज हाउ द ट्रैफिक मूव्स ऑन दिस फ्रोजन रोड्स. दस पंद्रह की स्पीड में कांट अफोर्ड टू ट्रेवल मोर देन दैट. ऐसी शौक आप सबको बना रहे हैं खुद का बना रहे हैं जो लोकल मिल रहा है उसका वीडियो बना रहे हैं यादगार के लिए. आप कहाँ से हो सर? मैं हिमाचल से. हिमाचल में भी इतना बार आता हूँ? ना इतना नहीं आता. कल बहुत आया हिमाचल में. मनाली में बहुत आता है. हाँ मनाली में. आपकी सीट पे? मैं धर्मशाला कांगड़ा से. मैं धर्मशाला कांगड़ा शिमला. अभी तो इस साल तो बर्फ बहुत कम आया. ये कम है? कम है. अभी तो ज्यादा कितना होता है फिर? ज्यादा कितना होता है? तो बहुत ज्यादा है. दो ढाई फुट होता है ना. अच्छा अभी ठंड कितना चल रहा है? टेम्परेचर कितना जाता है? अभी तो क्या अभी तो 20 चल रहा है. -20 35 तक जाता है. -35 तक चल रहा है. 35 तक अभी जाएगा मतलब? जाएगा. अभी तो इस साल तो नहीं है ना इतना ठंड नहीं है इस साल. हां ये ठंड नहीं है. ये तो बहुत ठंड है यार. -23 चल रहा था सुबह. हाथ खुला था पत्थर को हाथ लगाएगा ना थोड़ा गीला होगा ना पकड़ कर रखेंगे उधर चिपक जाएगा. हां चिपक जाएगा. चलो बहुत बढ़िया लगा मिलके. अच्छा सर थैंक यू. चलो ओके थैंक यू. मूड में और हम फिसल रहे हैं. ओह इतने मोटे बॉल के साथ गए. ये जो बह रही है सुरु रिवर है. हम पहले अपना ब्लॉग रोड के यहाँ से बना रहे थे. दिस वॉज अ ट्रैक विच वर वी वर मूविंग अर्लियर. और अभी जो आपको वहाँ से मैं रोड दिखा रहा था वो रोड है ये. इस रोड से शुरू का नजारा आइडियल विलेज ऑफ कारगिल जो देख रहे हैं आप. लोग रहते हैं भाई इस हालात और इस मौसम इसमें भी लोग रहते हैं और रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं. चिंगम चिंगम है. चिंगम दे दो. कितना दे दो यार? थोड़ा बहुत. पैदल गए थे. हाँ घूमने. सर्दी में लगता है. सर्दी लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? सर्दी तो है ना. चाय चू नहीं मिलाते? चाय नहीं मिलते सर. और सारे दुकान तो बंद है यहाँ पे. सब दुकान बंद है. मैं हिमाचल से आया. अच्छा हाँ हिमाचल से? हाँ गया. अभी हिमाचल? हिमाचल नहीं पहुँचा सर. कहाँ से गए? हम सिर्फ बम्बई. अच्छा मुंबई भी गया?
हम भाई पूजा कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं, बैठो ना सर। तो अभी क्या टेम्परेचर चलता है यहाँ पे इस सीजन में? इस वक्त 25-27 कभी 25। इस साल बहुत सर्दी आई है सर। चलो चलेगा, -30°C पहाड़ देखे, नदी देखी, तीरंदाज देखे और बहुत कुछ देखने को है। सो विद दिस स्मॉल नोट आई साइन ऑफ राइट नाउ, अभी के लिए साइन ऑफ। टू मीट यू सून अगेन। विद दिस आई एंड टुडेज ब्लॉग। जय हिंद, राम राम, राम राखा। फिर मिलेंगे। एंजॉय एंड ऑलवेज बी हैप्पी लाइक द पीपल ऑफ दिस प्लेस हू हैव ऑलवेज गॉट अ स्माइलिंग फेस व्हाटएवर द circumstances, whatever the environment, the weather will be. ये हाल है मेरे one of my windows. This is my bathroom window, जो कि इस वक्त के टेम्परेचर में ऑलमोस्ट जम सी गई है। आप देख सकते हैं इसमें एकदम फ्रॉस्ट की एक लेयर है। ये कुंडी है जिसमें फ्रॉस्ट चिपक चुका है और ये हिल तो रही है पर जाम हो चुके हैं। बहुत ही मेहनत लग रही है इसको खोलने में। दिस इज ऑल फ्रॉस्ट इन द विंडो। यहाँ से आइसिंग जम चुकी है और ये आइस गिर रही है यहाँ से। तो दिस इज़ वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई बाथरूम। और इसके अलावा ऐसी लाइफ है बस, यहाँ पे काम चल रहा है और मज़ा आ रहे हैं भाई।